बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। एफएससी पार्ट वन, चैप्टर नंबर 9, ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.2। आज का टॉपिक्स है फंडामेंटल आइडेंटिटीज़। तीन बेसिक फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ होती हैं। नंबर वन, साइंस स्केयर प्लस कॉस स्केयर इज इक्वल टू वन। नंबर टू, वन प्लस टेन स्केयर इज इक्वल टू सीकेंट स्केयर। एंड नंबर थ्री, वन प्लस कॉस स्केयर इज इक्वल टू कोसेकेंट स्केयर। तो पहली फंडामेंटल आइडेंटिटी का प्रूफ देखें। Prove that sin square theta plus cos square theta equal to 1। First prove है ये। इसके लिए हम एक consider करेंगे right triangle। Consider a right triangle ABC with measurement of angle A equal to theta radian। हमने एक राइट ट्रायंगल कंसीडर किया है। यहाँ पे राइट ट्रायंगल में ये सी वर्टेक्स के ऊपर एंगल 90 का बन रहा है और एंगल जो हमने मेजरमेंट ए पे यूज़ किया है उसे थीटा रेडियन कह लिया। ये हमारे पास थीटा रेडियन है। अब ये जो साइड ए है, ये वर्टेक्स ए के अपोजिट जो साइड है वो स्मॉल ए, वर्टेक्स सी के अपोजिट साइड स्मॉल सी, एंड वर्टेक्स बी के अपोजिट साइड स्मॉल बी। इसके अलावा मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको एक और चीज़ बताई थी कि 90 के एंगल के अपोजिट जो साइड होती है उसे हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। तो ये हाइपोटेन्यूस है। ओके, जो एंगल यूज़ कर रहे होते हैं फंक्शन के साथ उसके अपोजिट जो साइड होगी उसे अपोजिट बोलते हैं। तो ये अपोजिट आ गई। अब एंगल के साथ जो अटैच होती है नीचे उसे बोलते हैं एडजेसेंट होती है, एडजेसेंट साइड। ओके, अब हमने कंसीडर किया राइट ट्रायंगल एबीसी विद मेजर एंगल ए इज इक्वल टू थीटा रेडियन। इसमें पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं राइट ट्रायंगल पे। भाई पैथागोरस थ्योरम पैथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट होती है ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर। अब हम प्रूफ पे गौर करते हैं तो हमारे पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर है यहाँ, लेकिन वहाँ पे वन है। अगर हम इसको वन बनाना चाहें तो हमें सी स्केयर से डिवाइड करना पड़ेगा बोथ साइड ताकि ये टर्म वन बन सके। तो देखें, उसी से हम इसको वन बना के देखते हैं। डिवाइड बोथ साइड बाई सी स्केयर, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर ओवर सी स्केयर इक्वल टू सी स्केयर ओवर सी स्केयर। अब इसको अलग-अलग कर दें सी स्केयर को, नीचे ए स्केयर ओवर सी स्केयर प्लस बी स्केयर ओवर सी स्केयर इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो रिज़ल्ट आएगा हमारे पास वन। अब इनको होल स्केयर में ले जाते हैं, ए ओवर सी होल स्केयर प्लस बी ओवर सी होल स्केयर इक्वल टू वन। अब मैंने कुछ रेशियोज़ आपको बताई थी प्रीवियस लेक्चर में, जैसा कि
साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल होता है ए ओवर सी एंगल थीटा के लिहाज से। इसी तरह कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल होता है बी ओवर सी टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल होता है ए ओवर बी। और इसी तरह इन तीनों के रेसिप्रोकल देख लें, साइन का होगा कोसिकेन, कोसिकेन थीटा इसी का ही रेसिप्रोकल है सी ओवर ए, कॉस का है सिकेन या सिक थीटा इसी का रेसिप्रोकल ले लें ये आ जाएगा आपके पास सी ओवर बी, एंड टेन का है कॉट थीटा और कॉट थीटा इक्वल आ जाएगा आपके बी ओवर ए। ओके, अब यहाँ पे गौर करें ए ओवर सी रेशो एंड बी ओवर सी रेशो, ए ओवर सी रेशो साइन थीटा के इक्वल है एंड बी ओवर सी रेशो कॉस थीटा के इक्वल है, यहाँ पे पुट कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा ए ओवर सी की जगह साइन कर दें, साइन थीटा है उसका होल का स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी ओवर सी की जगह कॉस कर दें, कॉस थीटा होल का स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू वन। अब इनको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। तो ये हमारे पास फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी का प्रूव आ गया है, दैट इज़ फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी, इसको आप नोट कर लें। सेकंड फंडामेंटल आइडेंटिटी देखें, प्रूव दैट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, इसका प्रूव करेंगे। अगेन हम कंसीडर करेंगे अ राइट ट्रायंगल, कंसीडर अ राइट ट्रायंगल ए बी सी, विद मेजर एंगल ए इक्वल टू थीटा रेडियन। ओके, ये हमने कंसीडर कर लिए कि एक राइट ट्रायंगल है विद मेजर एंगल थीटा रेडियन, देन बाय पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। अच्छा, आप देखें यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, हमने वन प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर बनाना है। तो इसको बनाने के लिए देखें टेन कैसी रेशो है, टेन की ज़रा देखते हैं रेशोज में जाके ए ओवर बी। तो हमने फोकस करना कि ए ओवर बी हम कैसे बना सकते हैं। साफ ज़ाहिर है यहाँ पे अगर बी स्केयर से डिवाइड कर दें तो ये बनेगा ए ओवर बी, ये वन हो जाना है और ये सी ओवर बी बन जाएगा। अगर ये सी ओवर बी बनेगा तो आपने जाकर देखना है कि सी ओवर बी किसके इक्वल है, सीकेन के इक्वल है। तो ये टेन और सीकेन दोनों आ रहे हैं अगर हम बी स्केयर से डिवाइड कर दें इसको, तो इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बोथ साइड्स बाई बी स्केयर, बी स्केयर से डिवाइड करेंगे तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर ओवर बी स्केयर। इसको लहदा लहदा किया ए स्केयर ओवर बी स्केयर प्लस बी स्केयर ओवर बी स्केयर इक्वल टू, इसको होल स्केयर लिख सकते हैं सी ओवर बी होल स्केयर, इसको भी होल में लिख सकते हैं, ये कैंसल आउट हो जाएगा, इसको होल में लिख लेंगे ए ओवर बी होल स्केयर प्लस वन इज इक्वल टू सी ओवर बी होल स्केयर।
अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेशोज़ ए ओवर बी हमारे पास है टेन के इक्वल, तो इसकी जगह टेन लिख सकते हैं, टेन थीटा होल का स्केयर आ जाएगा प्लस वन इक्वल टू सी ओवर बी। देखें तो सी ओवर बी हमारे पास सीकेंट के इक्वल है, यहाँ सीकेंट पुट कर लें, ये भी होल स्केयर आ जाएगा। और इसको तरतीब से भी लिख लेते हैं जैसे वो प्रूव है, वन को इस तरफ लिख लें, वन प्लस ये हो सकता है जी टेन स्केयर थीटा इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं सीकेंट स्केयर थीटा। तो ये सेकंड फंडामेंटल आइडेंटिटी भी प्रूव हो गई, इसको नोट कर लें। थर्ड फंडामेंटल आइडेंटिटी है वन प्लस कॉट स्केयर इज इक्वल टू कोसेकेंट स्केयर, इसका प्रूफ देखें, प्रूव दैट वन प्लस कॉट स्केयर इक्वल टू कोसेकेंट स्केयर। ओके, इसका प्रूव करते हैं। अगेन हम ऐसे ही कंसीडर कर लेंगे अ राइट ट्राइंगल, कंसीडर अ राइट ट्राइंगल ए बी सी विद मेजरमेंट ऑफ एंगल A इक्वल टू थीटा रेडियन। ओके, ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है जिसमें 90 का एंगल है और ये A पे मेजरमेंट ऑफ थीटा है। तो अब ये अगर ये राइट ट्राइंगल है आपके पास तो भाई पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। पाइथागोरस की स्टेटमेंट है स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर। अब फिर वही बात आ जाती है कि अब हमने बनाना है वन प्लस कॉट स्केयर इज इक्वल टू कोसेकेंट स्केयर। तो देखते हैं कि कॉट रेशो में देख लें कि कॉट इक्वल होता है बी ओवर ए, तो यहाँ पे बी ओवर ए कैसे बन सकता है, बी ओवर अगर ए से डिवाइड कर दें बोथ साइड तो ये बी ओवर ए बन जाएगा। इस तरह अगर ये बी ओवर ए बन जाएगा, यहाँ वन बन जाएगा, ये बी ओवर ए बन जाएगा, ये सी ओवर ए बनेगा। तो देखना यहाँ पे क्या आता है, सी ओवर ए कोसेकेंट आएगा। तो आई थिंक समझ आ गई होगी। तो हम डिवाइड कर देंगे बोथ साइड, बाई ए स्केयर, ये डिवाइड करेंगे ए स्केयर तो ये आ जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर ओवर ए स्केयर इक्वल टू सी स्केयर ओवर ए स्केयर। तो अब इसको अलग-अलग कर देंगे, ए स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर ओवर ए स्केयर इक्वल टू सी स्केयर ओवर ए स्केयर। अब ये ए से ए कैंसिल हो रहा है, यहाँ तो बचा वन प्लस बी ओवर ए, इसको हम ए की होल स्केयर में ले जाएंगे। इसी तरह सी ओवर ए, इसको भी ए की होल में ले जाते हैं। तो अब जैसा कि रेशोज हमने देख ली थी पहले ही, उनको पुट कर लेते हैं यहाँ पे, वन प्लस बी ओवर ए, बी ओवर ए हमारे पास है कॉट, यहाँ पे इसकी जगह रेशो की जगह आ जाएगा कॉट थीटा होल का स्केयर इज इक्वल टू आ गया सी ओवर ए, सी ओवर ए ये पड़ा है कोसेकेंट, तो उसकी जगह इसकी जगह लिख सकते हैं कोसेकेंट थीटा होल का स्केयर। इसको लिखें वन प्लस कॉट स्केयर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्केयर थीटा। तो ये हमारे पास थर्ड फंडामेंटल आइडेंटिटी जो कि प्रूव हो चुकी है। आज का लेक्चर हुआ कंप्लीट, नेक्स्ट लेक्चर तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।